जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर एक इनडायरेक्ट चेंज कर दिया गया है। बजट 2024 के अंदर जीएसटी में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला चेंज आया है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं या फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं और आपने अपनी दुकान ऑफिस आदि रेंट पर ली हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जो लैंडलॉर्ड है जिसके प्रमिसेस पर आप बिजनेस कर रहे हैं, वो लैंडलॉर्ड अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपने टैक्स को बचाने के चक्कर में रह गया तो आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आने वाली है। बिकॉज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ये कैसे है अब सुनिए। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब मान लीजिए कि आप या आपके किसी क्लाइंट ने बिजनेस करने के लिए एक प्लेस रेंट पर लिया और उस प्लेस पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो भाई अब बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब देखिए, दुकान ऑफिस कॉमर्शियल प्लेस पर भी हो सकता है और रेजिडेंशियल प्लेस पर भी हो सकता है, और कम से कम 70% बिजनेस ऐसे हैं जो कि रेजिडेंशियल प्लेस से ऑपरेट होते हैं, किसी के घर से ऑपरेट होते हैं या किसी के घर में किसी ने कोई बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है वहां से ऑपरेट होते हैं। और आपको पता होगा कि जीएसटी प्रोविजन के अंडर रेंटल ट्रांजेक्शन के ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का फंडा है। अब क्या हुआ कि अगर वो कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी एफसीएम के अंडर अपनी जीएसटी की लायबिलिटी पे करेगा अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट आदि को देखकर। लेकिन मान लीजिए कि जो बिजनेस प्रमिसेस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में है जिस पर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर पहले से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपके पास है, तो इस केस में आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जीएसटी की लायबिलिटी बन जाती है। आप कहोगे कि अभी तक तो ऐसा नहीं था, तो अब ऐसा क्या हो गया? तो सुनिए, इस बार बजट 2024 में आए नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इस बात को समझते हैं। अभी तक क्या था कि लैंडलॉर्ड रेजिडेंशियल इनकम को बिजनेस इनकम मानकर टैक्स पे किया करते थे, जो कि बहुत ही कम बनता था। और कम कैसे बनता था? क्योंकि रेंटल इनकम में से बहुत सारे खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट कम से कम शो करते थे। बिजनेस इनकम में ये पॉसिबल है कि इनकम में से आप सभी खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट शो कर सकते हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या चेंज कर दिया है कि अगर किसी लैंडलॉर्ड की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और उसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है तो आप उसे पीजीपीपी यानी बिजनेस इनकम में उसे नहीं दिखा सकते, बल्कि आपको कहां पर दिखाना होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानकर आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? आपके लैंडलॉर्ड को। अब इसका जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में जैसे ही आप रेंटल इनकम को दिखाओगे तो आपको सिर्फ 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और बैलेंस 70% इनकम के ऊपर आपके लैंडलॉर्ड को टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो अब ये जो लैंडलॉर्ड भाई साहब है, ये क्या करेंगे कि अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कराएंगे, यानी कि अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर अपना सीएलयू लेंगे ताकि लैंडलॉर्ड बीइंग ए लैंडलॉर्ड उसको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। और जैसे ही लैंडलॉर्ड अपनी प्रमिसेस को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कराएंगे, किराएदार के ऊपर यानी टेनेंट के ऊपर आरसीएम के अंडर जीएसटी की लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी कॉमर्शियल है और कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए पे करने वाले रेंट के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। तो अब उस किराएदार के लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि इसके रेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज का अमाउंट पे करें। अभी तक आप रिवर्स चार्ज से बच रहे थे क्योंकि पहली बार बजट 2024 में ऐसे प्रोविजन आए हैं। तो प्रॉपर्टी मालिक तो अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम को पीजीबीपी इनकम में दिखलाएगा और उस प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल एक्टिविटी में यूज्ड दिखलाएगा। लेकिन जैसे ही वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में दिखलाएगा, किराएदार के ऊपर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज की एंट्री लागू हो जाएगी। अब आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप ITC क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। तो दोस्तों, ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से रेंट के ऊपर आरसीएम अब एप्लीकेबल हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।